जय माधव दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त अमित कुमार लेके आया हूँ न्यू वीडियो। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम डेल का ड्राइवर डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं डेल ड्राइवर डाउनलोड लिख के सिंपल सा सर्च मार दूंगा, फिर ड्राइवर का जो पहला ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर लीजिएगा। मेरे छोटे भाई ने ये डिलीट कर दिया था, इस वजह से मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। इस पर दोस्तों जो है 7 नंबर का रहता है, एक्सप्रेस सर्विस कोड जो है 10 नंबर का रहता है। इसी मेथड से आप कोई भी निकाल सकते हैं, किसी भी कंपनी का जो है ड्राइवर निकाल सकते हैं। मैं वैसे डेल का निकाल रहा हूँ, आप एसोस और भी जितने भी कंपनियाँ उसके लिए निकाल सकते हैं भी जो है निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको और भी दिखाता हूँ, सो ऑल कर देता हूँ तो उससे आपको और भी समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, जिस पर दिस ड्राइव लिखा हुआ है, दिस पीसी लिखा हुआ है, सिर्फ आपको इसी जो भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप होगा, कंप्यूटर नहीं लैपटॉप जो भी होगा, वो दिस पीसी जो लिखा है वही आप डाउनलोड करिएगा। और बिल्कुल भी मत डाउनलोड करिएगा, वो एक्स्ट्रा आपका MB ले लेगा और कोई मतलब नहीं रहेगा। होने वाला है 97% हो चुका है, जो कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम इंस्टॉल करके भी आपको दिखाएंगे। मेरा जो है ब्लूटूथ ड्राइवर खो गया था या फिर कहिए तो डिलीट हो गया था, तो मैंने देखिए सबसे ऊपर डाउनलोड करके रखा है। अब इसको नॉर्मली डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके अलाउ करके बस इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो कोई भी इसी तरीके का कोई भी ड्राइवर निकाल सकते हैं, सिर्फ लैपटॉप में ही ये फार्मूला जो है लगता है, बाकी कंप्यूटर में नहीं लगता है दोस्तों। तो कंप्यूटर पे ट्राई मत करिएगा, सिर्फ इसी पे ट्राई करिएगा। और मैं कोशिश किया हूँ कि हर एक चीज़ को मैं इसमें दिखा दूँ, बता दूँ, समझा दूँ। आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल दूँगा। देखिए जो नीचे ब्लूटूथ का आइकन आ चुका है, अब इसको हम कनेक्ट करके दिखाएंगे आपको, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ मैं फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं जो बता रहा हूँ वो गलत नहीं है। ऐड ए ब्लूटूथ पे क्लिक करिएगा और भी आप इससे जैसे मेथड के अलावा, ब्लूटूथ के अलावा आप अपना प्रिंटर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं जेब्रॉनिक का मास्टर पीस मंगाया था, वो इसमें चल नहीं रहा था, तो मैंने इसको कनेक्ट करके दिखाया है आपको। बाकी ये बस्ता बहुत तगड़ा है। और देखिए सब कुछ फाइनल हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।